बुद्ध के उत्तर। साधना के मार्ग को सभी धर्मों में दुष्कर माना गया है। एक अच्छा साधक ऐसे गुणों से युक्त होता है जो आत्मज्ञान के प्रकाश में आलोकित करता है। एक बार महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान श्रेष्ठ साधक के क्या लक्षण होते हैं? तथागत के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया, चूहे चार प्रकार के होते हैं। एक वे जो स्वयं खोदकर बिल बनाते हैं लेकिन उसमें रहते नहीं। दूसरा वे जो बिल में रहते हैं पर स्वयं नहीं खोदते। तीसरा वे जो स्वयं बिल बनाते हैं और उसमें रहते भी हैं। चौथे वो जो ना तो बिल बनाते हैं और ना ही बिल में रहते हैं। इसी प्रकार साधक भी चार भागों में बांटे जा सकते हैं। एक वे जो शास्त्र पढ़ते हैं पर जो शास्त्र ज्ञान भी प्राप्त नहीं करते और सत्य का अनुभव भी। दूसरा वे जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं फिर भी अनुभव का ज्ञान रखते हैं। तीसरा वे जो शास्त्र भी पढ़ते हैं और सत्य का अनुभव भी रखते हैं। चौथे वो जो न तो शास्त्र का अभ्यास करते हैं न तो सत्य का आचरण ही। अब तुम ही निर्णय करो कि श्रेष्ठ साधक कौन है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य को समझ में आ गया था कि श्रेष्ठ साधक कौन है और कैसे बना जा सकता है, और वे अपने साधना में लग गया और वे सही और गलत की खोज में निकल पड़ा।